बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो मैं और कीड़ा आपके सामने मौजूद है। मैं ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तो टॉस जो है हो गया और टॉस जो है वो पाकिस्तान हार गया अनफॉर्चुनेटली। अब ये है कि इनको बहुत एडवांटेज हो गया इंडियन टीम को। क्यों कीड़ा, टॉस हार गए हम? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इट इज। मैच शुरू हो गया और हमारे पहले ही आउट हो गए बाबर आजम साहब। पर वसीम अकरम का तज्जिया कभी भी गलत नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये एडवांटेज हो गया इंडिया को और पाकिस्तान जो है वो अपनी विकेट ना गवाए 6 ओवर्स तक। तो अभी वो पहली विकेट तो चली गई बाबर आजम की, ये वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है। कीड़ा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि इसके कोई समंदर में जो है ना नमक का जहाज डूब गया है। वसीम अकरम ने गलत नहीं कहा था, अभी कमेंटेटर्स भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल पिच है शुरू में, क्योंकि बॉलर्स को बड़ा एडवांटेज है और वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं बॉलर्स पाकिस्तान के खिलाफ। खैर अब हमारी परफॉर्मेंस शुरू होती है। अब हम खाते हैं हलवा पूरी। भाई मंगा के रखी हुई थी, खाई नहीं थी, अब हम खाएंगे। हमने कहा मैच के दौरान खाएंगे। मुबारक हो, मुंह से कुछ निकला था उसके। चलो भाई हम हलवा पूरी खाएंगे, जाओ गरम करो। भाई रिजवान आउट हो गए, बेकार परफॉर्मेंस। 3 बॉलें बीट की, कैच ड्रॉप हुआ विराट से और फिर उसके बाद उन्होंने पीछे शॉट खेल दिया शॉर्ट पिच बॉल पे और आउट हो गए। तो अब हम हलवा पूरी पे ज़रा तवज्जो देंगे। 2 मिनट मैच जो है आपको नहीं बताएंगे अपडेट क्या है, हलवा पूरी खाने के बाद फिर आपको डिटेल देंगे। बहरहाल 2 आउट हो गए, चाचा इफ्तखार आए। कॉर्नर ब्रेक। चाचा तो ये निकाले यार, एक बॉल पे एक रन ले रहे हैं। A few minutes later। भाई लंबा छक्का मारा भाई। चाचा लंबा लंबा छक्का भाई, सीधा घुमा के दिया भाई, क्या बात है, ऐसे दिया यूं। मैं नहीं मानता। ए यार जबरदस्त भाई, क्या छक्का मारा है यार। 50-50 हो गई भाई मेरे ख्याल से। 49। दो रन और चाहिए 48। यार बहुत अच्छा छक्का मार दिया, लेकिन वो कैच भी उसने लेने की बड़ी अच्छी कोशिश की फील्डर ने। अरे भाई चाचा की 50 हो गई जनाब, वेल प्लेड वेल प्लेड। चाचा आउट हो गए। चाचा ने कहा 50 बना लिया। अब ये 50 रन पूरी जिंदगी गाएगा ये। तो शादाब जो है वो आउट। ये यार इस तरह नहीं खेले, अभी अच्छा गेम हो गया था फिर खराब हो गया। जैसे मैं बकवास कर रहा हूँ वैसे कमेंटेटर भी बकवास कर रहा है, कह रहा है कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी। आसिफ अली आउट हो गया, 2 रन बनाकर फजूल आउट हुआ है बिल्कुल। और ये यही करता है, ये चलता ही नहीं है भाई। शाहिद आफरीदी तो फिर भी परफॉर्म करता था, ये एक आध छक्का मार के इसको हीरो बना दिया। कोई परफॉर्मेंस नहीं है इसकी, 0 परफॉर्मेंस। हर मैच में तो आउट होता है, ये खेलता क्या है ये, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है आपकी यार। 2 रन 2 सिंगल लेने के बाद तीसरी बॉल पे आप आउट हो गए हो। और ये 50 हो गई शान मसूद की, वेल प्लेड, आराम से खेला इसने। अच्छा चाचा ने भी अच्छा खेला था, उसने तेज खेला था, इसने आराम से खेला शान मसूद ने। और यही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बाद में चाचा के बाद जितने लोग आए उन्होंने किसी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, और 5 विकेटें बिला वजह हमारी गई हैं। ये ओ शॉट लड़के, अफरीदी ने छक्का मारा है यार। अरे भैया हवा निकल गई इंडियन बॉलर की, शक्ल देखे अरिजदीप का, छक्का मारा है उसने यार, मतलब क्रिकेटिंग शॉट बकायदा यार। मैं आपको दिखा नहीं सकता, बस बात ये है कोई स्ट्राइक ना आ जाए। क्या छक्का मारे यार, वाह वाह वाह, 4 रन भाई। इसकी शक्ल इतना हीरो बन रहा है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं विराट कोहली वगैरह, वो लोग नहीं करते इस तरह। ये नया लड़का इतने भरम करा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी तोप है ये। पहले भी इसने यही किया था एशिया कप में भी, और अभी भी यही कर रहा है। पहली विकेट गई केएल राहुल की,
और नसीम ने विकेट लिया। अच्छा अफरीदी ने ओवर जो कराया वो तमाम ओवर एक बॉल पहली जो थी वो स्टंप्स पे थी, बाकी सारी इधर उधर थी, तो वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है हमेशा, लेकिन ये उनकी विकेट्स नहीं थी बॉल। अरे भाई वाह वाह क्या यार पकड़ा है, पकड़ लिया भाई पकड़ लिया, अरे वाह चाचा ने कैच पकड़ लिया, जबरदस्त रोहित आउट हो गया, जबरदस्त समोसा गया, ये समोसा बुलाता है उसको, समोसा गया जबरदस्त मजा आ गया। अब विराट कोहली को आउट करें, ये हमेशा हमेशा खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ, विराट कोहली की विकेट आ गई तो समझ ले मैच हमारे पास आ गया, जबरदस्त जबरदस्त। सूर्य कुमार आउट हो गया, थम्बल के बाद भी आउट हो गया, अरे थम्बल हो गया था, उसने छोड़ दिया था बाबर ने एक दफा और फिर उसके बाद थ्रो किए तब भी आउट हो गया, आउट है आप देख ले भले आउट है, जबरदस्त भाई नवाज का बुरा ओवर, तीन छक्के लग गए उसको उस ओवर में। अब सेट कर रहे हैं खुद हार्दिक पांड्या आया है, तो आप एक नया बॉलर फास्ट बॉलर लगाएं ताकि ये इसको आउट करने की कोशिश करे, ये थोड़ी है कि आप उसको स्लो बॉल करें, वो सिंगल सिंगल भी नहीं कर रहे रोक रहे हैं, तो वो सेट हो रहे हैं, अगर वो सेट हो रहे हैं तो फिर अब वो मार रहे हैं। विराट कोहली ने एक छक्का लगाया, दो छक्के हार्दिक पांड्या ने लगा दिए नवाज को, तो बुरा ओवर किया है बहुत ज़्यादा, ये जो है ना गलत हो गया, अब मैच वापस जो है उनकी तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, आप जीता हुआ मैच इसी तरह देते हैं हमेशा। अब ये कोई आउट होगा तो नवाज का ओवर हमारा निकलेगा, अभी नवाज का ओवर फंसा हुआ है हमारा भाई, हम तो सो गए, मनुस ओवर कराया अफरीदी ने और 17 रन दिए हैं इसने और एक कीड़ा भी सो गया है, कह रहा है मैं देख ही नहीं रहा भाई, बहुत जो है गुस्सा दिलाने के बाद उन्होंने अभी जाकर एक आउट किया है आखिरी ओवर में नवाज ने, और हारिस रऊफ ने इतना अच्छा ओवर कराया आखिर में दो छक्के खा लिए भाई, आप लोगों को यॉर्कर करानी नहीं आती बॉल, वसीम अकरम सही कहता है ना कि यॉर्कर आपसे होती नहीं है, आपकी तकलीफ हो जाती है यॉर्कर कराते हुए, वो गलत नहीं कहता वसीम अकरम जैसा बंदा, लेजेंड है वो कंट्रोल। और पाकिस्तान ये मैच हार गया हमेशा की तरह, बहुत अच्छा खेलते खेलते, अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं इस दुख के साथ कि ये लोग हार गए और बहुत ही डाउन परफॉर्मेंस आखिर में इन्होंने दिखाई है, नवाज ने नो बॉल कराई है यार, लास्ट ओवर में आप नो बॉल ही करा रहे हैं, उसके बाद आप वाइडे करा रहे हैं आप, अच्छा मतलब क्या बोलें, अब हारिस रऊफ से भी बॉलें नहीं हो रही थी, खैर अब ख़त्म हो गया मैच, हार गया पाकिस्तान, इंडिया जीत गया।